हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैन्सीज तड़का। तो आज हम बनाएंगे राखी के लिए स्पेशल मावा के पेड़े, और वो भी मिल्क पाउडर से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 1 चम्मच देसी घी, 1 कटोरी दूध। इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। तो ये देखिए, पहले से ये गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह लगातार चलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता और इसका मावा नहीं बन जाता। तो ये देखिए, ये पूरा सूख चुका है और ये डो फॉर्म में आ चुका है। तो ये मावा बनकर रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे दूसरे बोल में शिफ्ट कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मावा ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी पाउडर शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़ों के ऊपर चॉकलेट चिप्स लगाकर इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पे पिस्ता, काजू और बादाम से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मावा के पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। किसी भी फेस्टिवल पर कम समय में कम मेहनत से आप ये मिठाई बना सकते हैं, और बच्चों को तो ये मिठाई बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस पे उनके फेवरेट चॉकलेट चिप्स लगे हैं। तो झटपट बनने वाली ये मिठाई आप भी जरूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।